हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, पॉपुलेशन चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 6। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे वन मार्क क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ साथ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन विद मैप। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस चैप्टर को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और ऑल ऑफ दिस। देखिए, प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, और ह्यूमंस क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो इन तीनों को इंक्लूड करेंगे, इसीलिए आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, How can one find information regarding the population of a country? कि किसी कंट्री के पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना है तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। थ्रू सेंसस के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, बाय काउंटिंग द पीपल। तो सेंसस और काउंटिंग द पीपल, बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा। देखिए, काउंटिंग द पीपल भी हो सकता है, बट सेंसस में सारी चीजें इंक्लूड रहती है, तो बोथ ए एंड बी इसके थ्रू हम किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज द रेंज ऑफ एज सेक्शन ऑफ एन एज कॉम्पोजिशन? एज्ड पीपल किसको माना गया? देखिए, 0 to 15 को आपको चिल्ड्रन रखे हैं। अब अगर 15 से लेकर के 59 तक की बात करते हैं, इनको वर्किंग पॉपुलेशन रखा गया, और 59 प्लस जो है इनको एज रखा गया। तो 59 प्लस किसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 puts emphasizes on which needs? एक किस चीज पे, एक किस इनकी क्या आवश्यकता है? Need to be fulfill the nutritional requirements, need to prevent child marriage, need to educate adolescents about the risk of the unprotected sex, या all of the above? All of the above इसमें आपके मेंशन है, सारे NPP 2000 के आइडियाज है। अब यहां से 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। What is the India's population in March 2001? March 2001 में इंडिया का population कितना था? तो 107.9 CR था। अगर यही हम 2011 के according चले जाएंगे, तो 2011 में कितना हो गया था? 121 CR, ठीक है? और अगर यही हम 2024 के according जाएंगे, तो approx values को लिखना नहीं, बस आपकी knowledge के लिए बता देता हूँ, 145 CR। और अभी इंडिया जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बट इस चीज को आपको बुक में अभी नहीं लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अभी सेकंड पोजीशन पे इंडिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइज करेगा। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? यूपी 2000 अगर 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसका टोटल पॉपुलेशन है 199 मिलियन, ठीक है? 199 ml या ml दोनों लिख सकते हैं। What is the density of population in India? 382% per square kilometer. जैसे हम लोग देखे थे, पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा 322% पर स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है? और 322 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अगर यही हम वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो 51 किलोमीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर किलोमीटर 51, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया। और यही अगर हम अपने बिहार के पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो इंडिया का सबसे डेंसेस्ट स्टेट है, ये जीरो है आपका, तो 1102 है, ठीक है? ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसको हम किस पे काउंट करते हैं, पर 100 पर 1 मीटर स्क्वायर में कितने पीपल रहते हैं, इससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? किस इंडियन स्टेट का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है? अभी चर्चा किए थे, बिहार का है, कितना है? 1100 to 1102 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो पर नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर पे हम फाइंड आउट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। विच इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन है?
अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहां पे आपके जो जियोग्राफिकल फीचर है काफी ज्यादा हार्ड है, वहां पे रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये फॉरेस्ट है, जिसके कारण लोग कम रहते हैं और वो हैबिटेबल नहीं है। 17% पर स्क्वायर किलोमीटर ये आपके अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 17 उसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, 17 जो है अरुणाचल प्रदेश का लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, 1128, और सेकेंड पोजिशन पे लाइज करता है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। देखिए जो भी रीजन प्लेन्स होगा वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे, लोग ज्यादा रहेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, एक फिक्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडल्ट इन इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया के पॉपुलेशन में एडल्ट का पॉपुलेशन कितना है, 58.7% है एडल्ट का पॉपुलेशन, 34 पॉइंट समथिंग% आपके चिल्ड्रेन के हो जाएंगे, चिल्ड्रेन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 34.4%, और 6.9% अप्रोक्स आपके एज्ड यानी 59+ ईयर्स वाले जो है उनका पॉपुलेशन हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस इंडियन स्टेट में, तो सबसे लिटरेट, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, जिसके पब्लिक सेक्टर काफी ज्यादा एडवांस है, वो केरला है, 1084 पर 1000 बॉयज गर्ल्स। विच इज द रेशियो ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेंस इन केरला, रेशियो क्या है, तो अभी हम लोग डिस्कस किया है कि रेशियो इन केरला 1084 सच दैट पर 1000, एक रेशियो कैसे, सेक्स रेशियो फाइंड आउट कैसे होता है, तो सेक्स रेशियो पर 1000 पे फाइंड आउट होता है, पर 1000 बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स वो डिटरमाइन करता है सेक्स रेशियो, विच इज बिलो नेशनल एवरेज ऑफ 940 एज पर लेटेस्ट सेंसस। जैसे 940 ये क्या है, 943, वो तो आपका 2001 का है, 943 जो है, 943 2011 का सेक्स रेशियो है। फीमेल वॉज 1058 पर 1000 मेल्स इन केरला, और ये अगर हम 2001 की बात करते हैं तो फीमेल की संख्या कितनी थी, 1058 थी पर 1000, और अभी और भी बढ़ी है, 1084 है पर 1000 मेल 2011 के अकॉर्डिंग। इस चीज को हम लोग दोनों 1 और 11 दोनों देख लेंगे, क्योंकि बुक में दोनों दिया हुआ है। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडिया इन इन 1951, 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, तो 37.2 यस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी काफी कम, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज कम, हेल्थ फैसिलिटीज कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम। व्हाट इज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब, बर्थ रेट पर 1000 पे काउंट होता है, टोटल बच्चे कितने जन्म लिए पर 1000 उसको बर्थ रेट बोलते हैं, और डेथ रेट पर 1000 कितने लोगों की डेथ हुई वो आपके डेथ रेट को कम क्या करेगा, कंपेयर करेगा, वो बताएगा। और ये जो अभी हम लोग देख पढ़े हुए इस चैप्टर में ग्रोथ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी जिस कंट्री का बर्थ रेट ज्यादा रहेगा बट डेथ रेट कम रहेगा तो उस कंट्री का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, लोग जो है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, प्रॉपर हैबिटेट के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन अ कंट्री, अगर किसी एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब आप कंट्री को छोड़ करके जा रहे हो, उसको एक्सटर्नल माइग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब लिविंग वन प्लेस टू मूव टू अनदर, और इमिग्रेशन का मतलब हम बाहर से आ रहे हैं। देखिए इमिग्रेशन इंपोर्ट से रिलेट करेगा, और इमिग्रेशन जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेट करेगा, और इसके एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से लोग बाहर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, और इमिग्रेशन क्या होगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, और इमिग्रेशन क्या होगा, बाहर से चीजें हमारे यहाँ आएगी तो इमिग्रेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, एक्सप्लेन माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन से आपका पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है या नंबर ऑफ पीपल कहाँ पे कितने रहते हैं वो चेंज होता है, क्योंकि लोग मूव करते हैं उस चीज से। माइग्रेशन इज डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज सिंस इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन, मूवमेंट ऑफ पीपल होता है एक रीजन से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, हिंस इट चेंजेस द डेमोग्राफीज ऑफ बोथ रीजन ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर।
अराइवल डिपार्चर दो रुक, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उससे आपके पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाउ पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन माइग्रेशन। ये जो पुश और पुल फैक्टर है अर्बन माइग्रेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। पुश फैक्टर पुश पीपल अवे फ्रॉम देयर होम एंड इंक्लूड लाइक बोला कि थिंग्स लाइक बोल रहा है कि पुश का मतलब क्या होता है, किसी को आप उसके घर से उसके हैबिटेट से बाहर कर दोगे, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पुश फैक्टर। जिससे वर्क के थ्रू पुल फैक्टर्स पुल पीपल टू न्यू होम्स एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक बेटर अपॉर्चुनिटीज। द रीजन पीपल माइग्रेशन आर यूजुअली इकोनॉमिक पोलिटिकल कल्चरल और एनवायरमेंट। अगर पुल फैक्टर लाइज करते तो किन चीजों पे, उनका बेसिक टर्म क्या होता है, तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल और एनवायरमेंटल इनका इकोनॉमिक टर्म होता है। व्हाट इज द एज कंपोजिशन, नेम थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एज कंपोजिशन। वन मार्क में हम लोग भी किए हैं एज कंपोजिशंस क्या है, कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो 0 से 15 ईयर्स वाले जो है वो आपके चिल्ड्रन में आएंगे, उसके बाद 15 to 59 इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है, ये आएंगे आपके वर्किंग पॉपुलेशन में, और 59+ जो है वो आएंगे आपका रिटायर्ड वाले इसमें, ठीक है। तो अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो चिल्ड्रन जो 0 से लेकर के 15 ईयर्स तक के बीच में, इनका परसेंटेज वैल्यू जो है वो 34.4% है। अगर 15 to 59 की बात करेंगे तो इनकी इनकी परसेंटेज अप्रोक्स 58 है, 58 point something, यानी सबसे ज्यादा जो है वो आपके 15 to 59 वर्किंग पॉपुलेशन ही इंडिया में। व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल का हम जापान को ले सकते हैं कि जापान का ह्यूमन रिसोर्स काफी ज्यादा डेवलप है। इट इज द टास्क विथ मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग द कंपनी फ्रॉम एनी इश्यूज दैट मे अराइज विद इन द वर्क फोर्स। काम करते समय अगर कंपनी को किसी इश्यूज या किसी प्रॉब्लम को फेस आउट करना है तो उसको इजिली सॉल्व कर सके। HR responsibility include compositions and benefit recruitment, retentions, firing and keeping up the day with any loss. Human resource क्या होता है और इसके importance क्या होता है, human resource ही determine करता है किसी भी resource को usable बनाता है। इसका use इसलिए होता है ताकि हम सही चीजों को सही पे सही जगह पे implement कर सके, और इसलिए हम इसका use करते हैं। व्हाट इज सेंसस, व्हाई डू वी नीड इट, सेंसस क्यों जरूरी है। सेंसस में होता क्या है, तो आपके बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, इनकम से सारी चीजें फाइंड आउट की जाते हैं। कंप्रेसिव सोर्स ऑफ डेटा, सेंसस इज ए डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज, इट गैदर्स नॉलेज अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंट ऑफ द नेशन विच इज वैलिड बोले कि वाइटल फॉर मेनी पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, टोटल पॉपुलेशन, एज पीपल पॉपुलेशन एज क्या है, इस सारी चीजों को हम फाइंड आउट करते हैं। लिटरेसी रेट फाइंड आउट करते हैं, IMR फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ सेंसस। एग्रीकल्चर सर्वे करते हैं कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी में, तो सारी चीजें सेंसस की पार्ट होती है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया गिव रीजन। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 199 मिलियन पॉपुलेशन है। अगर इसको एक इंडिया का स्टेट ना मान करके वर्ल्ड के कंट्री के रूप में हम इसको सोचे तो ये वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा, तो समझ सकते हैं आप इसका पॉपुलेशन कितना ज्यादा। हिच इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन उत्तर प्रदेश। द स्टेट ऑल्सो है वेरी फर्टाइल रेट विथ एन एवरेज ऑफ 3 children per woman, this coupled with large number of young people in the states means that population is growing very rapidly. Population बहुत ज्यादा grow करता है, average आपके children एक woman 3 बच्चे हैं, और fertile soil है, communication systems easily develop है, settlements आसानी से कर सकते हैं, transportation है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में population density ज्यादा है। असम हैज मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी गिव रीजन। असम के पास मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके पीछे मेन रीजन क्या है।
असम के पास हिली रीजन भी, असम के पास प्लेन्स भी, असम के पास हेवी रेनफॉल भी होता है, तो जितने भी फेवरेबल कंडीशन होते हैं, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम, तो सारी चीजें, क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन आपके कम पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर देता है और प्लेन्स जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन को, और इस तरह से असम का जो टोटल पॉपुलेशन हो जाता है वो मॉडरेट हो जाता है। What are the factors responsible for uneven population distributions of India? India में जो uneven population distributions है, इसके पीछे main factor क्या? Has uneven population due to several factors like low birth and high death rates. Low birth rate रहेगा, high death रहेगा, तो population कम हो जाएगा. Topography, rugged terrain and unfavorable climatic conditions are primary responsible. इस topography से unfavorable आपके conditions है, या रफ टेरेन, यानी कि सर्फेसिस जो है रफ है, तो सेंस में स्पेस पॉपुलेशन इन स्टेट लाइक राजस्थान एंड द हिल स्टेशन, राजस्थान क्योंकि डेजर्ट है, इसके अलावा हिल स्टेशन है, तो वहां पर स्पेस स्पेशली पॉपुलेटेड होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल यू कैन टेक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सम लाइक स्टेट्स। How would you summarize the problem factor by the poor population of India? India में poor population इतनी ज्यादा क्यों है? High population growth rate is one of the major reason for poverty in India. Growth rate काफी ज्यादा इंडिया में, और इंडिया में 22% लोग जो है वो बीपीएल है या पुअर है। अप्रोक्स अगर इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 27 CR लोग जो है वो पुअर है, लैक ऑफ फैसिलिटीज उनके पास। दिस फर्दर लीड्स टू हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, या हेल्थ फैसिलिटीज, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ये सब कुछ मेजर फैक्टर है जिसके कारण इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस करता है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स द पर कैपिटा इनकम एंड मार्क्स पर कैपिटा इनकम इवन लोअर। देखिए इंडिया का जो इनकम है और सब कंट्री कंपेयर में काफी ज्यादा है, बट एक और सब कंट्री कंपेयर में जो पर कैपिटा इनकम होता है उसमें बहुत पीछे है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कितना भी इनकम उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एडोलेसेंस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एडोलेसेंस मोस्ट प्रीवेलेंट इश्यूज आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्कूल चाइल्डहुड इलनेस दैट प्रसिस्ट इनटू एडोलेसेंस एंड बोला कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। देखिए एडोलसेंस के लिए सबसे जो रिक्वायर्ड चीज है कि उनकी इलनेस या उनकी थिंकिंग, ये सारी चीज जो वो मैटर करती है। बहुत सारे जो बच्चे हैं इस एज में मेंटल प्रॉब्लम्स को किसी कारण होता है, आप आए दिन देखते रहते हो कि हॉस्टल में बच्चे सुसाइड कर रहे, तो ये सब मेजर इश्यूज एडोलसेंस में है जो निगेटिव आउटकम्स है। Why is the Northern Indian plain thickly populated? Mention two states of Northern plains with high population density. देखिए इसको डिस्कस हम लोग किए, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार के बारे में देखे थे कि यहाँ पर प्लेन्स है, फेवरेबल कंडीशन है, फर्टाइल लैंड है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिवर है, और स्टार्टिंग स्टेज से हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते आए हुए हैं कि रिवर वैली, रिवर के किनारे सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। Name the areas where moderate densities of population are found and elaborate the reasons of their moderate densities of population. अभी डिस्कस किया हम लोग कि आसाम में हिल्स है, प्लेन्स है, और इसके साथ फ्लड रीजन है, तो नहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है, नहीं बहुत कम पॉपुलेशन होता है, दिस इज आसाम इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट पॉपुलेशन। Why is the population a vital element of study? Population is pivotal element in social studies. It is the point reference from which all the other elements are observed and from which they derive significance and meanings. देखिए
पॉपुलेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पॉपुलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उनको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें उनकी फुलफिल हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो पीपल है वो एज ए रिसोर्स वो कितना बन सकते हैं। तो सारी जो आइडियाज है वो आपके पॉपुलेशन के स्टडीज के थ्रू हम फाइंड आउट कर पाते हैं। रिसोर्सेज, क्लाइमेट, डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग। ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बींग से रिलेट करते हैं। बोलो कि फर्स्ट स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी 100 एंड बिलो, 100 और उससे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? तो एक तो हमारा ए हो गया, चेंज करता है, एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया ए वाला स्टेट्स, एंड नेक्स्ट वन इज मिजोरम। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इस रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी 501, 501 वाले कौन है? तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट या आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, ये सब स्टेट जो है जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी 501 या उससे ज्यादा है। स्टेट हैविंग द लोएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो किसमें है? तो ये आपका हरियाणा दिख रहा है, इसके पास लोएस्ट सेक्स रेशियो है 877, 877 लोएस्ट सेक्स रेशियो है। और अगर यही हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखेंगे तो 619 है दमन एंड दीव का, इस सबसे कम सेक्स रेशियो है। ऑन द पॉलिटिकल मैप लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग द स्टेट्स हैविंग द लोएस्ट सेक्स रेशियो। लोएस्ट सेक्स रेशियो की कहां पर है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए हरियाणा में। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है? केरला में। इसका डेटा कितना है? 877। और इसका अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 1084। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलस स्टेट दिस इज यूपी। यूपी जो है वो आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है और 2011 के अकॉर्डिंग ये कितना है पॉपुलेशन इसका? 199 ml, ठीक है। ऑन द पॉलिटिकल मैप लोकेट द लेवल्स द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। अभी हम डिस्कस किए हैं यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, द मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया देख लिए। अरुणाचल प्रदेश अ स्टेट विथ मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक ऐसे स्टेट जहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो आसाम इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। यानी सबसे ज्यादा, सबसे कम और मॉडरेट, तो ये तीनों हो गया आपका। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981? 1981 में डिक्लाइन हुआ, दिस इज बिकॉज बर्थ रेट इज डिक्लाइन एज द पीपल एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज ओवर लार्ज फैमिलीज। लेकिन लोगों ने समझा कि बड़ी फैमिली की जगह पे हम छोटी फैमिली को रखेंगे तो आसानी से सर्वाइव कर सकते, तो बहुत सारे लोगों की अट्रैक्शन उस तरफ हुई जिसके कारण लोग बड़ी फैमिली नहीं रखना चाहते थे, और ये मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? ए पॉपुलेशन ग्रोथ के होता क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द चेंज एक्सपीरियंस बाय द पॉपुलेशंस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अगर किसी प्लेस का पॉपुलेशन चेंज होता है तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये ग्रोथ रेट जो है होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है। जिस कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट कम है उस कंट्री का एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा होगा। Should India feel proud of its size and total population? India can take a pride in size and total population for several reasons. The historic and cultural significance, economic potential and political influence. देखिए इंडिया में पुराने टाइम से इकोनॉमिकली पोटेंशियली पॉलिटिकली वो सारे जो स्ट्रॉन्ग या जो राजा महाराजा हुआ ठीक है दैट सिम दिस एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज आइडेंटिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस। ग्लोबल प्रेजेंस में ये सब चीजें डिटरमाइन होती है, किसी कंट्री के इमेज को क्रिएट करते हैं। देयर हैज बीन अ सडन अब्रप्ट राइज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1961 गिव रीजन। बोला कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द इंडिया सिंस 1951 एज टुडे आल्सो देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड बर्थ रेट। हां बोला कि इसमें क्या हुआ, इसमें आपका डिक्रीज हुआ ठीक है। और बर्थ रेट कैसे, बर्थ रेट मतलब पर 1000 कितने बच्चे जन्म ले रहे वो बर्थ रेट को शो करेगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है, और जब बर्थ रेट ज्यादा रहेगा डेथ रेट कम रहेगा तो पॉपुलेशन अपने आप बूम हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डिस्क्राइब्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कितना है? तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3.28 है, विच इज ओनली 2.4%। इंडिया का अगर हम एरिया की बात करते हैं 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन की बात करते हैं अप्रोक्स 17% है। टोटल एरिया इंडिया का 3.28 है, और ये 3.28 जो है सॉरी 3.28 जो है 100% का मतलब 2.4% इंडिया पूरे वर्ल्ड में। हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इन सब स्टेट में ही मैक्सिमम लोग रहते हैं। कौन कौन से? तो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट है यूपी महाराष्ट्र बंगाल इन सब रीजन, और उत्तर प्रदेश अकेले 16% करता है, और इंडिया जो है कितना परसेंट करता है 17% करता है। Which process of population is responsible for distributions and composition of populations? Explain its type. प्रति आप इसके types को explain करोगे। इधर तो किस चीज पे birth rate, death rate, migration, migration impact the population number distribution and composition। अगर एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह गए हुए तो उस जगह का population अपने आप increase कर जाएगा और इस जगह का decrease होगा। बर्थ रेट डेथ रेट भी, बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण किसी भी रीजन का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। इस तरह से इस चैप्टर का वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो हम लोग कंप्लीट किया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे 24/7 अवेलेबल है हम लोग, तो वहां पर आप किसी भी तरह के डाउट को पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम पास में स्पेशली 10th वालों के लिए और 9th वालों के लिए लाइव क्विज का एक पैटर्न लेकर के आ रहे हैं हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग फॉर्म में उस क्विज को करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या अगर इसके बारे में जानते हैं क्विज के बारे में, तो आप जल्द से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे लाइव क्विज का आनंद लीजिए। और ऐप डाउनलोड करना न भूले, क्योंकि मेटेरियल्स स्टडी मेटेरियल्स या क्विज क्वेश्चन आंसर लेक्चर वीडियो बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है जो आपको ऐप के थ्रू ही मिलेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।